This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस अब बेकाबू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे देखकर जनता से लेकर सरकार तक सबकी चिंता बढ़ा दी है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 25,000 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 19,000 से ज्यादा केस 24 घंटे के अंदर सामने आए थे। आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में से 30 लोग पॉजिटिव हैं। ये रेट पूरे देश और बाकी राज्यों से सबसे ज्यादा है। इसी से कोरोना की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट होने पर कोरोना काबू में माना जाता है। उस हिसाब से ये 6 गुना ज्यादा है। कोरोना की खौफनाक लहर देखकर सीएम केजरीवाल भी सख्ते में आ गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दिल्ली के हालात बताए और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीजें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीजें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। ये आंकड़े देखकर आप दिल्ली में हर दिन बढ़ते कोरोना की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में 11 अप्रैल को एक दिन में कोरोना के केस 10 के पार पहुंचे थे, उसके बाद 12 अप्रैल को फिर केस बढ़े और ये आंकड़ा 11,491 तक पहुँच गया। 13 अप्रैल को 13,468 मामले दर्ज किए गए। 14 अप्रैल को फिर इसमें बड़ा उछाल देखा गया और मामले 17,000 के पार पहुंच गए। 15 अप्रैल को भी 17,000 के करीब नए मामले सामने आए। फिर 16 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 19,000 के पार पहुंच गया। 17 अप्रैल को दिल्ली में रिकॉर्ड 24,000 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देश भर में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की इस नई लहर ने 2020 से भी ज्यादा खौफनाक हालात पैदा कर दिए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।